नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स, जो कि सुपरहिट हुई और जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के बारे में कुछ सच, जो कि श्रद्धानंद पति ने अपने वीडियो में बताया। एक सिंपल सी बात है, जब कोई निर्देशक मूवी बनाता है तो वो लोग उद्धार के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए बनाता है, और आज के समय में जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी उतना ही जेब में पैसा। द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, कौन है विवेक रंजन अग्निहोत्री आप जानते हैं, परिचय है आपका उन लोगों से? हम लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, इसलिए नहीं कि मीडिया के लोग हैं, क्योंकि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की ना आदत है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो अपने खुद के फोटो जामा मस्जिद से पोस्ट करते हैं, याद रखिएगा ये वही विवेक रंजन अग्निहोत्री है जब MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, वर्ल्ड के सबसे बड़े चित्रकार आर्टिस्ट है ना, उन्होंने जब बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर न्यूड पेंटिंग्स बनाई थी, तो सारे मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं, हिंदू के स्कॉलर, हम एकजुट हो गए थे एक साथ कि ये गलत है, किसी रिलीजन के ऊपर इस तरह का कोई चित्र नहीं बनना चाहिए न्यूडिटी के ऊपर। सब मुस्लिम स्कॉलर, सब हिंदू स्कॉलर, सब एक थे। तब ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के, उन्होंने स्टैंड लिया था MF हुसैन के साथ, आप समझ रहे हैं ना, ये वो फिल्म वाले। इस आदमी ने जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई है, इसने स्टैंड लिया था MF हुसैन के साथ, जबकि पूरे देश में एक लहर था कि किसी रिलीजन पे, कोई भी धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आपको कोई भी न्यूड फोटो या पेंटिंग्स नहीं बनाने हैं, राइट। और आज वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश चुनाव में, और अब जब आप देख रहे हैं कि गुजरात का चुनाव है, कश्मीर फाइल्स के ऊपर मूवी लाते हैं, लोगों के दर्द, लोगों के मर्डर्स, लोगों के हत्याएं, आगजनी, दंगा, ये इसके ऊपर मूवी बनाते हैं, तो क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनानी चाहिए कि मौजूदा सरकार कौन थी जब ये दंगा हुआ? क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनानी चाहिए कि 7 साल 98 में भी इनकी सरकार थी, तो आखिर कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन क्यों नहीं लौटाया गया? क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनाना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के कितने फ्लैट्स हैं? मैं बता सकता हूं, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक मेरा नियर अबाउट 13 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा हो चुकी मेरी पूरी मीडिया टीम की, ठीक है। हमने बताया कि 2007 में पहली बार पटमालू में, समझ रहे ना, और भी कुछ जगहों में कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट्स बनाए गए थे, पर उनको क्या लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट में? माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट, द वर्ड इज माइग्रेंट, अप्रवासी पक्षी। ये पक्षी है क्या? ये मूवी किसके ऊपर बनने चाहिए थे? ये मूवी बनना चाहिए था कि उनकी जमीनें उन्हें क्यों नहीं मिल रही। मैं इस वीडियो में अर्ज करूंगा तमाम मीडिया के जितने मेरे साथी हैं, बहुत जल्दी हम लोग इस कंसोर्टियम में आएंगे, हम किसी मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर विवेक रंजन अग्निहोत्री का सच जानना चाहिए आपको। आपको जानना चाहिए कि 1990 में जब ये दंगे हुए थे, जब इतना बड़ा पलायन हुआ था, फोर्सफुल पलायन, मैं स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं, क्योंकि हम स्टैंड लेते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की। उस सरकार में किसका सहयोग था? बीजेपी के। गवर्नर कौन थे याद है आप लोगों को? याद है, बीजेपी के गवर्नर थे, बराबर। तो फिर आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि जब इस तरह की इतनी बड़ी मैसेकर हुआ, आप लोगों ने उस सरकार से अपना सपोर्ट वापस क्यों नहीं ले लिया? आपको वापस लेना चाहिए था। जगमोहन थे गवर्नर वहां के, बराबर। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री इस बात को मीडिया में दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं मूवी में कि बीजेपी ने सहयोग दिया था? इस मूवी में दिखाना नहीं चाहिए था आपको? आप दोनों चीजें दिखाइए, आप जुल्म दिखा रहे हैं ना, आप समाधान दिखाइए। जुल्म हम देख चुके हैं, समाधान कब दिखाएंगे? When will we see the solution instead of watching the problem again, again and again? Damn it! कश्मीरी पंडित किसी के लिए ना मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन वैल्यू बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का, जिससे उन्हें इमोशन के वोट चाहिए। ये सीरियस है कश्मीरी पंडित के लिए, हैं? ये सीरियस है। आइए एक चैलेंज कर लें। मैं तो जाता रहता हूँ कश्मीर, गलियों का नाम बताऊं, आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। हम स्टैंड लेते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन इस मूवी के साथ कोई स्टैंड नहीं लेते। 30 साल के बाद आप जख्म ताजे मत कीजिए, जख्म भरने का सोचिए, उनके मकान दिलाने का सोचिए, उनका अधिकार दिलाने का सोचिए। आप ये मूवी गुजरात में रिलीज करते हैं, यूपी में रिलीज करते हैं, क्या गुजरात से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से लोग गए थे क्या वहां दंगा करने? हैं? आप दिखाइए ना कि बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग भी थे, ये कौन दिखाएगा? कौन इनके आंखें खोलेंगे भाई? जगमोहन गवर्नर थे, उनका क्या स्टैंड था, क्या स्टेटमेंट था उनका, बताइए ना। गवर्नमेंट मशीनरी क्यों फेल हो गई? इसके ऊपर कब रिसर्च होगा? R&D कब होगी? कोई देगा इस बारे में जवाब? देगा?
कोई बता सकता है कि आज मैं श्रीनगर में अगर प्लॉट खरीदना चाहूं तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 आपने हटा दिया, हो गया कश्मीर हमारा। हम में से आप में से 135 करोड़ कोई भी एक किसने खरीदा है प्लॉट श्रीनगर में, बताओगे तुम लोग? हम लीगल लोग हैं, कानूनन बात करते हैं, बेफिजूल की गाली गलौज नहीं करते, है ना? लेकिन इस विषय में तुम्हें बात नहीं करनी, तुम्हें बात करनी है गुजरात के चुनाव में माहौल खराब करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। तुम्हें ये पिक्चर दिखाना है, कल से हम तुम्हें वीडियो दिखाते हैं, है ना? विवेक रंजन अग्निहोत्री का कल से हम होली मनाते हैं, बराबर। एक एक वीडियो, एक एक ट्वीट पूरे हिंदुस्तान को नहीं बोलूंगा, पूरे भारत को। तुम लोगों ने देश का नाम बदल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आधार कार्ड में क्या लिखता है? भारतीय सरकार। लेकिन तुम देश का नाम बदलने पे तुले हुए हो, तुम भारतीय हो, है तुम्हें भारतीयों की पीड़ा के बारे में? जब भी कोई बात आती है सब मुद्दों को छोड़ के तुम्हें यही सब करना आता है? अरे देश भुगत चुका है कोविड के बाद, अब तुम कोविड को फिर से जिंदा कर रहे हो, बराबर। इसके ऊपर तुम्हें डिबेट नहीं चाहिए, है ना? हम तुम्हारे मंत्रियों से मिलते हैं, तुम डिबेट करना भूल जाते हो, तुम हिंदुओं का जख्म दिखाते हो, हिंदुओं का जख्म। हमसे ज्यादा देखोगे तुम हिंदुओं का जख्म, तुम ये समझते हो तुम्हारे एक नेता का विरोध करने से तमाम जो लोग जो तुम्हारे पार्टी में यकीन नहीं करते वो हिंदू नहीं है, तुम्हें ये लगता है? तुम तिरंगे में यकीन रखते हो? तुम्हारे लोगों को मालूम है कि तिरंगा एक मुसलमान ने डिजाइन किया था, वो भी उन्नाव से? तुम जानते हो, पढ़ते हो भारत का इतिहास? तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो? हम उनके वंशज हैं, हम उनके नेटिव वंशज हैं। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? काला पानी में झंडा किसने लहराया था? तुम गए थे लहराने, कौन थे उसके कमांडर? इसके बारे में डिबेट करें एक बार, नहीं करोगे चर्चा, बात करोगे? भूदान मूवमेंट में जो जमीनें दान दी गई वो जमीन आज किसके पास है, करोगे चर्चा? तुम किस मुद्दे पे चर्चा करते हो? पेट्रोल के ऊपर बात करते हो, काले धन के ऊपर बात करते हो, बेरोजगारी के ऊपर बात करते हो, तुम चर्चे पे आते भी हो? तुम आज कश्मीर फाइल नाम का एक पिक्चर बना के ले आए, पूरे देश में वैसी दर्द कम है क्या? अरे दर्द घटाने का सोचो ना यार, उनके घर कब दिला दोगे? बताओ ना, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं एक ब्राह्मण की पीड़ा समझता हूँ, बराबर। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, एक ब्राह्मण का धर्म एक ब्राह्मण नहीं समझेगा। अब तुम ये भी सिखाने लगोगे, हैं? अरे तुम्हारे आंख से आंख मिला के बात करते हैं। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.